सबसे पहले तो सभी का वेलकम है इस मीट में, इस जूम मीट में। और जैसे बात करते हैं हम ऑडियो की, ऑडियो एडिटिंग की, तो ऑडियो का जो फील्ड है बेसिकली आपके लिए सबसे पहले एक तो रेडियो होता है, इसके अलावा पॉडकास्ट होता है, इसके अलावा जैसे जो वीडियोस वगैरह भी हम बनाते हैं तो उनमें भी हमें कई बार बैकग्राउंड में ऑडियोज की जरूरत होती है। तो किस तरह से उनमें ऑडियो एडिटिंग करनी है, किस तरीके से उनमें इफेक्ट्स आपको यूज करने हैं, इन सब चीजों के लिए भी काफी सारी चीजें आपको ऑडियो एडिटिंग के थ्रू हेल्प मिलती है। और इसके अलावा जैसे वॉइस ओवर और एडवर्टीजमेंट्स के लिए और डबिंग आर्टिस्ट के बतौर भी आप ऑडियो में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसे हम बात करें क्लासरूम टीचिंग के लिए, आज के दौर में जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो क्लासरूम में बच्चों को किस तरीके से उनको एक इफेक्टिव लेक्चर आपने देना है, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑडियो एडिटिंग के थ्रू हो सकती हैं। और स्पेशली जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में हमारा जो विश्वविद्यालय है वो काम करता है, तो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में भी अगर आप ऑडियो के जरिए और ऑडियो में इफेक्ट्स के जरिए अगर आप उनकी टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, तो काफ़ी कुछ उन्हें समझने को आसानी हो जाती है। अब अगर बात की जाए ऑडियो की, तो ऑडियो में सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग जिस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम रिकॉर्डिंग किसी स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं तो स्टूडियो के अंदर जो होगा बैकग्राउंड वॉइस बैकग्राउंड नॉइज ये सब चीज़ें हमें कम मिलेंगी, और अगर हम बाहर ओपन अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें काफ़ी हद तक बैकग्राउंड नॉइज मिलती हैं, और उन सब चीज़ों को भी कट किया जा सकता है। उसके लिए भी कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास रिकॉर्डर्स होते हैं, और रिकॉर्डर्स के अलावा माइक्रोफोन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आप जिस रिकॉर्डर में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे कनेक्ट करते हुए आप माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर बाय द वे आज के दौर में फ़ोन्स में भी कई लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर है, लैपटॉप के भी जो इनबिल्ट माइक्स हैं उनमें भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगर किसी भी रेडियो स्टेशन को अगर हमने रन करना है तो उसके लिए माइक्स होते हैं, मिक्सर होते हैं, ऑडियो मिक्सर होते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम वॉइस ले सकते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास ये टूल्स होते हैं। अगर बात की जाए वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की, तो उसमें साउंडफोर्स है, वेबपैड है, एडोब ऑडिशन है, एफएल स्टूडियो है, क्यूबेस है, नेरो वेब एडिटर है, और इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मौजूद हैं आज के दौर में। और कई तरह के सॉफ्टवेयर्स में हम लोग ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर आज हम जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ऑडासिटी। तो ये जो अभी यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहे हैं ये कई कुछ साउंड और वेव जी, तो ये जो है ये आपके ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, और इनमें से जो ऑडासिटी है ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इसे अगर डाउनलोड करते हैं एक बार तो उसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बेसिकली विस्तार से ज्यादा बात करेंगे, तो कैसे इसमें किया जाना है और क्या करना है इस बारे में अगर हम बात करते हैं। अनिल सर कोई दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। जी सर, अब आ रही है?
हाँ जी हाँ, अब आ रही आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू। ये आपका स्क्रीन दिख रहा है, ऑडासिटी का जो विंडो है दिख रहा है, वो आप उसे ओपन कीजिए जी, दिख रहा है ये। अच्छा अच्छा, तो जैसे हमने ऑडासिटी इसमें ओपन कर लिया, तो ऑडासिटी ओपन करने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो ऑडासिटी में अगर बात की जाए तो हम इसमें डायरेक्ट भी यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमने कोई फाइल अगर इम्पोर्ट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो शायद यहाँ पर आपको एक रेड बटन दिख रहा हो जहाँ पर की कर्सर चल रहा है, जिसमें रिकॉर्ड और हाँ आर रिकॉर्ड और आर आपको दिख रहा हो उसमें, तो आर बटन प्रेस करके भी आप उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है, और रिकॉर्डिंग होनी शुरू होने के बाद आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे या अपने कीबोर्ड से आप स्पेस की दबाएंगे, तो ये यहाँ पर इतनी रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। अब चाहें तो हम इसको फाइल में जा करके सेव प्रोजेक्ट करें, तो सेव प्रोजेक्ट होने के बाद एक तरीके से इसका एक सॉफ्ट कॉपी या फिर ये कह सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, और अगर एक्सपोर्ट के थ्रू आप करते हैं एक्सपोर्ट एज MP3, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। उसके लिए आगे ऑप्शन वो बताता जाता है, उस तरीके से हमें फॉलो करने होते हैं। फिलहाल अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही हटा रहे हैं। और बात करते हैं फाइल इम्पोर्ट की, तो उसके लिए हमें जाना होता है फाइल में, और फाइल के बाद इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद ऑडियो, और ऑडियो के बाद जहां पर भी हमारी फाइल लोकेटेड है हम वहां से उस फाइल को ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक सैंपल ऑडियो करके होगा या सैंपल फाइल होगा, तो हम फिलहाल अभी उसे ले लेते हैं एज लाइक ये है हमारे पास। और हमने जैसे अगर इसे एडिट करना है, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यंग हल्द्वानी में। आज इसका जैसे इस फाइल को अगर हमने रिकॉर्ड किया है और हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, सबसे पहली बात आती है कि नॉइज रिडक्शन के लिए, नॉइज रिडक्शन के लिए जो हमारा ब्लैंक एरिया है या फिर जहाँ पर भी हमें नॉइज मिलता है वहां पर जाते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के लिए सिंपली माउस का बटन प्रेस करते हुए इसे आप सेलेक्ट करने के बाद जितना केवल आपको जितना जितने में आपको ब्लैंक हो लग रहा है उसे सेलेक्ट करते हुए फिर उसके बाद जाते हैं आप इफेक्ट में, और इफेक्ट के बाद नॉइज रिडक्शन में, नॉइज रिडक्शन के बाद आप इसमें करेंगे गेट नॉइज प्रोफाइल। इसके बाद ये क्या करेगा, जो जहां पर भी बेवजह की जो बैकग्राउंड में आवाजें हैं उनको गेन कर लेता है और गेट कर लेता है, और गेट करने के बाद फिर आप दोबारा से इफेक्ट में जाते हैं, नॉइज रिडक्शन में जाते हैं, और नॉइज रिडक्शन में जाने के बाद सिंपली रिड्यूस आपका ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट है, अगर आप इसे ओके करेंगे तो ये जो इसमें बेवजह की नॉइज होगी वो हटा लेगा इसे। बात करते हैं इसमें कट कॉपी पेस्ट कैसे होना है। सिंपली कट करने के लिए आपने जो एरिया आपने कट करना है उतना सेलेक्ट कीजिए, और उसे चाहे तो माउस के लेफ्ट क्लिक से आप कट करें या फिर चाहे तो कंट्रोल प्लस कट से आप इसे कट कर सकते हैं। और इसके अलावा 91.2 बीच में भी जहां पर अगर आपको कोई ब्लैंक एरिया लग रहा है या फिर अगर आपको कुछ लग रहा हो कि जो अनवांटेड चीजें हैं उसे आप हटाना चाहें तो उसे इस तरीके से कट किया जा सकता है, या फिर मान लिया जाए कि जैसे अगर ये एरिया है अगर इसे हमें हटाना है तो इसे हटाया भी जाए। उसमें तुम्हारा स्टार्ट करने के बाद से तो मैंने वैसे प्ले कर दिया, ठीक करा मैंने, मेरे पास आई आ गया बस। और इसके अलावा जैसे अगर हम चाहें तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हैं, इफेक्ट जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना होगा, फाइल में जाके इसी के साथ में आप फिर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपकी फाइल लोकेटेड है वहां से आप सीधे सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक एक हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड्स में ही है, तो यहाँ से हम उसे सेलेक्ट करते हुए सिंपली ड्रैग करते हुए भी यहाँ पर ला सकते हैं फाइल को इस इंटरफेस में। अभी फिलहाल जैसे अगर हम 2FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, स्वागत है आप सभी का।
अभी अगर हम देखें तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसकी आवाज ज्यादा है और जो हमारा वॉइस है वो दब रहा है, जो हमारा वॉइस है वो दब रहा है। तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना होगा, जो भी हमारा सिंपली म्यूजिक है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसे सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट में और इफेक्ट के बाद एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई में जाने के बाद अगर हम सिंपली इसको स्केल यहाँ से अगर इसका सेट करते हैं माइनस में अगर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो म्यूजिक वाला पोर्शन है उसकी वॉइस को कम कर लेगा, या जो हमने सेलेक्ट किया है उस वाली वॉइस को वो कम करता जाएगा। इंडिफरेंस भी है इसके। और अगर बाय द वे हम उसी में प्लस में जाते हैं इफेक्ट में जाने के बाद एम्पलीफाई करते हुए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा कुछ सेलेक्ट नहीं था, जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए ये काम करेगा। एम्पलीफाई में जाने के बाद अगर हम इसको बढ़ाएंगे, आपको शायद यहाँ एम्पलीफिकेशन डी भी दिख रहा होगा, यहाँ पर जाते हुए 17.1 जैसे यहाँ पर हो चुका है, तो ये वॉइस जो है इसकी बढ़ेगी। लेकिन हमें सिंपली इसे बढ़ाना नहीं है, कम करना था ताकि जो भी हमारा वॉइस है वो क्लियर हमें सुनाई दे। तो उसके लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे जो इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक है ये काफी लेंथी है, तो हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। और जैसे एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हमें ये जो वेव्स हमें दिखती हैं इसमें, अगर इन वेव्स को हमें फैलाना है या फिर इनको सिकोड़ना है, तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, अपने माउस से अपने कीबोर्ड में हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल बटन, और माउस को जो स्क्रोलर होता है उसे ऊपर नीचे करना होता है, उससे ये आपका सिंपली कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सिकोड़ भी सकते हैं। जैसे अब सिंपली हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो वॉइस ओवर है वो दोनों चीजें इक्वल हो गई है लगभग। ये सिंपली हमारा हो गया। और अब अगर हमने इसे सेव करना है तो फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाकर एक्सपोर्ट एज MP3 हम अगर इसको करते हैं, और इसके बाद सैंपल ऑडियो नाम से आप करना चाहें तो उस नाम से भी इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सैंपल ऑडियो नाम से सेव करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो मिस हो सकती है। और अगर बाय द वे आप इसमें रीनेम करके इसको किसी और नाम से सेव करना चाहें तो आप सिंपली इसे उस तरह से भी कर सकते हैं। और अब आपकी जो फाइल जो फाइनली आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और ये हमारी सेव हो चुकी होगी कहाँ, डेस्कटॉप पर, क्योंकि हमने इसकी जो लोकेशन सेलेक्ट की थी वो डेस्कटॉप पे ही की थी। ये हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और इसके अलावा भी कई सारे इफेक्ट्स हैं, कई सारी अदर ऑप्शंस भी हैं, ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना हम इसको देखते जाएंगे या करते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो फिलहाल ये है। और इसके अलावा जैसे जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर ऑडियो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करते हुए कई सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे रिकॉर्डिंग के वक्त में हमें ध्यान देना होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा रिकॉर्डर होगा उसमें KHZ नाम से वो KHZ लिखा हुआ रहता है उसमें, और उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दिखाता है, और फ्रीक्वेंसी कहीं पर आपकी 44,000 होती है, कहीं पर 38,000 होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी में आपने रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप, और किस तरीके की आप क्वालिटी लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी चाहिए तो अक्सर 38,000 में किया जाता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सेम फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे कर दी तो आवाज़ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा जैसे अगर आपने वॉइस को इसके अलावा बेसिकली वैसे ज़्यादातर 44,000 की फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्ड अक्सर होता है, और उसी पर रिकॉर्ड करके ज़्यादातर फाइल्स उसी पर रिकॉर्ड करके इम्पोर्ट उसी पर रिकॉर्ड करके चलती रहती हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर क्वालिटी चाहिए तो आप 38,000 में कर सकते हैं या फिर उससे कम भी आप कर सकते हैं, ताकि वो आपके सिस्टम की जो मेमोरी है उसको कम उसको ले, या फिर अगर आपके पास मेमोरी है तो आप उसे आराम से 48,000 में आराम से कर सकते हैं।
और जैसे जब हमने ये बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें कम ज्यादा किया है, तो उसके लिए भी आप जब फाइल तैयार कर लेते हैं या फिर इसको कम ज्यादा करते हैं, तो उसके बाद आप सुन करके देख लीजिए कि उसका लेवल कैसा रहा, उसका लेवल कैसा आ रहा है, और जब आपको उसके लेवल का आपको लगे कि सही है तो आप उसे ओके कीजिए, वरना फिर आप दोबारा से उसे सिंपली अंडू करने के बाद भी आप उसे दोबारा से भी इफेक्ट में जा करके एम्पलीफाई कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसको वैसे ही एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि अब जो आपकी जो प्रेजेंट में जो उसकी सेटिंग है उस हिसाब से चलेगा, या फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको एम्पलीफाई करना है। अगर बाय द वे मान लीजिए मुझे जो पहला ट्रैक है, जो वॉइस ओवर है हमारा मेन, उसको अगर कम ज्यादा करना है, तो उसके लिए मैं इस ट्रैक को सेलेक्ट करूंगा। अभी क्योंकि जैसे हमने मेन जो मेन ट्रैक था उसे एम्पलीफाई किया था, तो इसके एम्पलीफाई करने के बाद हमने इसको माइनस में किया था, तो सिंपली वो वॉइस इसने कम कर लिया। अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये ज्यादा होता है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना। फाइनली जो जिस तरीके से ये बनाया हुआ था उस तरीके से इसे सेव किया जाना था, तो ये फाइनली हो गया। और जैसे अगर बाय द वे आपने इस फाइल को अभी सेव नहीं करना, आपको लगता है कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है और इसमें अभी आगे और भी होना है, और आपको अगर एक ब्रेक चाहिए, तो आप सिंपली सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और सेव प्रोजेक्ट करने के बाद इसे ओके करते हुए जहां पर भी आप इसे रखना चाहें, चाहे तो आप डेस्कटॉप में या कहीं पर भी आप इसे रख करके सेव कर सकते हैं, और रीनेम लेते हुए आप इसको सेव कर लीजिए। रेडियो नाम से AUP फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद इवन अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर क्लोज भी आप इसे कर देते हैं तो AUV फाइल में जो हमारा रेडियो AUP जो फाइल है, अगर आप इसे दोबारा ऑन करते हैं तो सीधे वहीं खुलेगा जहां तक आपने इसे सेव किया था। और अगर बाय द वे आप इसे सेव फाइनली एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके अगर आप इसे सेव करेंगे, तो उसके लिए भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं ऑडियो के लिए, तो एक्सपोर्ट से अगर आप इसे सेव करते हैं तो एक्सपोर्ट एज MP3 भी आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज वेव आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑडियो के ही फॉर्मेट्स हैं, और इनमें सेव लेकिन MP3 जो है वो आदर्श फॉर्मेट माना जाता है। ज्यादातर जो ऑडियोज होते हैं वो MP3 फॉर्मेट में ही हमें सेव होने के बाद मिलते हैं सिंपली, और ज्यादातर हम इन्हें इसी में रखते भी हैं। अगर किसी कोई और क्वेरीज हो तो आप अपनी क्वेरीज यहाँ पर रख सकते हैं। ये पहली बार हुआ है कि हम किसी RJ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुन रहे हैं। तो सर बहुत ही अच्छा सेशन था, इंटरेक्टिव सेशन था, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा सभी लोगों को कि कैसे हम एक अपनी वॉइस रिकॉर्ड को एडिट करके मॉडिफाई करके किस तरीके से उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड लेक्चर। अनिल सर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, और हम आपसे जो है एक बार फिर से जो है थैंक यू कहना चाहते हैं, और एक बार और हम आपसे जो है इस तरह का सेशन आग्रह करेंगे आने वाले समय में जब हम दोबारा से इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे। सर सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया। अरे सर आप बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें, तो इतने सालों से आपका हैंड्स ऑन आप कर रहे हैं, तो यही तो वोकेशनल स्किल है, यही तो कौशल विकास, यही असली में कौशल विकास तो यही है। और मैं तो अपने सारे, क्योंकि इस वर्कशॉप में हमारे विद्यार्थी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने सारे विद्यार्थियों से भी और
जो अन्य रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि ये टेक्निकल स्किल हम स्वयं से भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ बहुत हमें जानकारी मिली, बाकी हम कुछ देख देख के, और व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसीलिए बनाया है, इसमें हम इस तरह का इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि हम कैसे डाउनलोड करें ऑडासिटी को, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे उस पर एडिट करें, उसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं। आने वाले समय में हम आपसे और मदद लेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस तरह का जो है, जो ऑडियो का एडिटिंग है या वीडियो का एडिटिंग है या कैमरा के बेसिक्स हैं, आप लोग हमें आने वाले समय में भी इसके लिए हेल्प करेंगे, ताकि इसका जो पीपीटी वर्जन चाहे आपके पास पड़ा हो उसको दे सकते हैं, या कोई ट्यूटोरियल्स हो, कहीं लिंक हो वो भी दे सकते हैं, ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो सकें। सो थैंक यू वेरी मच सर। जैसे अगर ऑडासिटी डाउनलोडिंग की बात है, तो ऑडासिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है audacityteam.org। इसका लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, हमारे प्रतिभागी सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आप भी व्हाट्सएप में जुड़े हैं हमारे साथ ग्रुप में। हाँ सर, जी जी हाँ, तो उसमें डाल दीजिए। अगर कोई और ट्यूटोरियल आपको समझ में आता है कि लोगों को इससे फायदा हो सकता है, वो भी आप डाल दीजिए। हम इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और पार्थ सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सर थैंक यू वेरी मच, आप लगातार हमारी मदद कर रहे हैं इसमें, थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में आया है सर के लिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है एक सर, एक जी जी एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है कि वो रिपीट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड नॉइज। ये एक जन पूछ रहे हैं, प्रीति जी पूछ रही हैं कि बैकग्राउंड नॉइज कैसे रिलीज करें, तो आप एकदम संक्षेप में बता सकते हैं कि इफेक्ट्स में जाकर के सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे करके। इफेक्ट में जैसे आपने जो भी बैकग्राउंड नॉइज आपने डिलीट करना है या उसे रिड्यूस करना है, तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं, आपने पहले जहां पर भी आपको वो नॉइज आपको मिल रहा है, तो जहां पर आपका ब्लैंक एरिया है उतना सेलेक्ट करें, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाते हैं इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद नॉइज रिडक्शन आपको सिंपली मिल जाता है, और नॉइज रिडक्शन के बाद गेट नॉइज प्रोफाइल अगर आप करते हैं, तो आपका वो नॉइज प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता है, और देन आपको सिंपली फाइल को सेलेक्ट करने के बाद फिर से इफेक्ट में जाने के बाद नॉइज रिडक्शन और सीधे रिड्यूस यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, तो आप इसे ओके करते हुए जो आपका एक लेवल तक का जो नॉइज होता है वो इसमें से कम किया जा सकता है। तो उम्मीद है प्रीति जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा।